मोदी सरकार की स्वर्ण जाति के गरीबों को आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट में ही जजों की अलग अलग राय देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की और आरक्षण जारी रखने का फैसला 3-2 के आधार पर सुनाया गया। 5 जजों ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान क्या कहा, जरा सुनिए। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कहा, केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। 50% का जो बैरियर है उसमें से स्वर्ण आरक्षण नहीं दिया गया है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कहा, संसद के इस फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। संविधान ने भी समानता का अधिकार दिया है, इस फैसले को उसी रूप से देखिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण गरीब तबके की मदद के लिए है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हमें सोसाइटी के ज्यादा भले के लिए आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। वहीं जस्टिस जे बी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कहा, आरक्षण अनंत काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है, इसे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। मैं जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी से सहमत हूँ। यह अभियान 7 दशक पहले शुरू किया गया था, लेकिन अब एजुकेशन और डेवलपमेंट ने असमानता की खाई कम करने का काम किया है। 3 जजों ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने को सही बताया, लेकिन 2 जजों ने अलग राय जाहिर की। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कहा, आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी वर्गों को मिलना चाहिए, इसमें एससी एसटी को भी शामिल नहीं किया गया है। मैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देने के पक्ष में नहीं हूं। जस्टिस रविंद्र भट्ट के अलावा मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया, लेकिन 5 जजों की बेंच में 3 जज स्वर्ण गरीबों के लिए आरक्षण जारी रखने के पक्ष में थे, इसीलिए फैसला 3-2 की राय से मोदी सरकार के फैसले के समर्थन में किया गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।